जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में किसी कारणवश वीडियो को रोक दिया गया था, तो उसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक गैस तक। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो पिछला वीडियो आप इसके जस्ट पहले ही अपलोड किया गया, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था ऊर्जा के स्रोत क्या होती है, उसके विशेषता, जीवाश्म ईंधन में कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, प्राकृतिक गैस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन के दोष। मैंने आपको तुरंत बताया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा था बीच में। अभी हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन के दोष क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के द्वारा। पहला पॉइंट, वायु प्रदूषण करता है। जब भी जैसे आप कोयला जलाते हैं तो क्या, मैंने आपको कई बार ये चीजें बताई है, किसी वस्तु को पूरा जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में जाएगी तो नुकसान करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना, बिल्कुल करेगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी नुकसान करेगी। तो भाई देखिए, कोयला प्रॉफिट कब लेंगे, जलाने पे, पेट्रोलियम कब प्रॉफिट लेंगे, जलाने पे। तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो क्या होते हैं, वो वायु प्रदूषण करते हैं। जो वायु का प्रदूषण करता है उसे बोला जाता है वायु प्रदूषक। क्या बोला जाता है, वायु प्रदूषक। जो वायु प्रदूषण करता है उसे वायु प्रदूषक कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं। ये वायुमंडल में या पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, कौन, जीवाश्म ईंधन। अगला पॉइंट समझते हैं, अम्लीय वर्षा। आपने गांव वगैरह में सुना होगा, बड़े बुजुर्ग हमें यह सलाह देते हैं कि बेटा जब पहली वाली बरसात होती है तो उसमें बाहर नहीं निकला जाता, या पहली बरसात में भीगा नहीं जाता। क्यों नहीं भीगा जाता, कहते हैं ना, आप देखते होंगे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा जब पहली वाली बारिश होती है, साइंटिफिक रीजन समझ जाइए। देखिए हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात मानिए, उनके पास एक्सपीरियंस, हमेशा एक्सपीरियंस वाले का साथ दीजिए ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत बिहेवियर वाला है तो उसका एक्सपीरियंस लीजिए, नहीं यार, पॉजिटिव कुछ बनना है ना बाबू, कुछ बनिए, मजा आ जाएगा। बात समझते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। मैंने बताया ना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर ना निकले, क्यों, क्योंकि जो पहली बारिश होती है वो अपने साथ क्या लेके आती है, अम्ल लेके आती है, एसिड लेके आती है। पहली वर्षा को बोला जाता है अम्लीय वर्षा। आप मान लेते हैं हमारे यहां मई जून वगैरह, जून जुलाई से हमारे यहाँ वो जो मानसून चालू हो जाता है, बरसात चालू हो जाती है, तो जो पहले दिन की बारिश होती है उसमें ना भीगिए, क्योंकि आप जब लगातार इस्तेमाल किए, 8 महीने आप इस्तेमाल किए हैं नीचे, किसका, जीवाश्म ईंधन का, लकड़ी कोयला, आपने बहुत सारी चीजें जलाई हैं, तो उनका जो धुआं है वो वायुमंडल में जाके जमा हुआ। अब जब वो बारिश के साथ जमीन पे आएगा तो बारिश की बूंदों के साथ वो एसिड बन के आएगा, एसिड के रूप में आया। अब जब वो आपके शरीर पे गिरेगा तो आपकी त्वचा जल जाएगी, खाद, खुजली, है ना, जल जाएगी, फफोले जिसको कहते हैं, फोड़ा, फुंसी, ये चालू हो जाएगा। तो आप परेशान रहेंगे, डॉक्टर साहब यहाँ निकला है, डॉक्टर साहब यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो पहली वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जिसके जिम्मेदार केवल और केवल मनुष्य है। कभी किसी बकरी को देखा है आग जला के इसे सेकते हुए, नहीं। कभी किसी कभी गाय को देखा है मोटरसाइकिल चलाते हुए, नहीं। कौन है भाई, केवल मनुष्य। सबसे समझदार पृथ्वी पर कोई जीव है तो वो मनुष्य, और प्रकृति से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करने वाला कोई जीव है तो वो है मनुष्य। मनुष्य बहुत समझदार जीव है, लेकिन वो अपने पर्सनल फायदे के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। ओजोन परत लगातार फट रही है, लगातार चौड़ी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान, बहुत ही भ्रामक परिणाम आने वाले हैं मेरे दोस्तों। तैयारी करिए, पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण है तो हम हैं, हमसे पर्यावरण भी है। हम चाहेंगे तो पर्यावरण को खत्म कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे समझदार जीव पृथ्वी पर केवल हम ही हैं। पर्यावरण बचाने की प्रथम जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी हमारी है। तो बात करते हैं अम्लीय वर्षा, इसका इस्तेमाल करेंगे तो अम्लीय वर्षा होगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, पीने के पानी को भी दूषित कर देता है। अब जिस क्षेत्र में आप इस्तेमाल करेंगे, अम्लीय वर्षा होगी तो जमीन के नीचे जाएगा तो पानी में आपके एसिड मिल गया, है ना, वो क्या होगा, उसको भी क्या कर देगा, दूषित कर देगा। आपके पानी में मैं मिट्टी का तेल डाल दूंगा तो पियेंगे, पेट्रोल डाल दूंगा तो पियेंगे, डीजल डाल दूंगा तो पियेंगे, नहीं ना पियेंगे भाई। एक ठोकर चला जाता है, गाँव में कहते हैं ना, एक ठोकर तिनका चला जाता है तो पूरा बाल्टी का पानी फेंक दिया जाता है। सोचिए क्यों, क्योंकि जहां पानी उपलब्ध है उनके पास पानी की कोई वैल्यू नहीं, जिनके पास पानी नहीं है उनके पास पानी की वैल्यू है।
पानी की कीमत उनसे पूछो जहां पानी नहीं है। चले जाइए राजस्थान में, देखिए आज भी बहुत सारे ऐसे भारत में राज्य हैं जहां पानी के लिए लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, पानी बहुत सारा है। पीने वाले पानी से तो गाय धोई जाती है, बाइक धोई जाती है, कार धोई जाती है। हम 16 बाल्टी नहाते हैं गर्मी में, ठंडी में एक गिलास में पानी भी पी लेते हैं, हाथ भी धो लेते हैं। वर्षा के जल का इस्तेमाल कीजिए कपड़ा धोने में, गाय को धोने में, भैंस को धोने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन पीने वाले पानी का इस्तेमाल मेरे भाई केवल और केवल पीने के लिए कीजिए यार, खाना बनाने के लिए कीजिए, लेकिन जो पीने वाला पानी है उसका दुरुपयोग ना कीजिए, क्योंकि ये सीमित है, असीमित नहीं। हाँ आप ये कह सकते हैं पूरी पृथ्वी पर 70% जल ही तो है, लेकिन पीने लायक कितना है भाई। सबसे ज्यादा पीने लायक पानी किसी देश के पास है तो वो है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। सोच लीजिए, पानी को बचाइए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक व्यक्ति की सोच से क्या होगा, हमारा देश प्रगति करेगा। पानी हम बचाइए, पानी आज से ही बचाइए, जब से बचाइए, जब जागो तभी सवेरा, जल ही जीवन है। आप पढ़े लिखे लोग, अगर हम ये बात नहीं करेंगे यार तो कौन करेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हमें पर्यावरण कैसा बनाना है, जल कैसा बनाना, आने वाली पीढ़ियों को पानी से तरसाना है कि पानी देना है। ठीक है, तो चलिए पीने के पानी को भी क्या कर देता है, ये दूषित कर देता है। आगे बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र क्या होता है। देखिए क्या होता है जल विद्युत संयंत्र, या एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने में। क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी नदियों पे पानी, आपको मालूम है कि नदी का पानी लगातार बहता रहता है, उसके लिए ना पानी को बहाने के लिए ना ऊर्जा देनी पड़ती है, ना कोई खर्चा करना पड़ता है, तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, क्यों ना उससे कुछ बना लिया जाए। आखिर में उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट जा रही है, पानी लगातार बह रहा है तो गतिज ऊर्जा में है, तो गतिज ऊर्जा से कुछ इस्तेमाल किया जाए। तो क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी नदियों को, नदियों पे बांध बनाया जाता है। ठीक है, उस बांध को बना दिया जाता है। जब बांध बना दिया जाएगा भाई, मान लेते हैं ये कोई नदी है, बांध बना देंगे यहां, तो पानी लगातार, पानी का जलस्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा। पानी जहां, जब मान लेते हैं ये बांध बंध गया तो पानी यहां आएगा, जमा होगा। अब तो जब सारा उधर से तो पानी आ ही रहा है, लगातार पानी आएगा तो यहां क्या होगा, बांध बहुत ऊंचा सा बांध दिया गया है, अब लगातार ये पानी क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और यहां से पाइप लगा दिया जाएगा बांध के, है ना, इधर से पाइप लगा दिया जाए, चौड़ी चौड़ी पाइप लगा दिया जाएगा, नीचे टर्बाइन लगा दिया जाए, बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाएंगे, और ये पानी, ये यहां से पाइप लगा दिया जाएगा लगातार, यहां बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाएंगे, और जब ये पानी इस पंखे के ऊपर पड़ेगा तो ये पंखा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, और जब ये लगातार घूमेगा तो लगातार घूमेगा, उस गतिज ऊर्जा को हम किस ऊर्जा में बदल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा में, सॉरी गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। आज जो बिजली आपके घर आती है इसका एक ये भी स्रोत है विद्युत जल संयंत्र, है ना। जल विद्युत संयंत्र क्या करता है, ये कि ये बिजली को बनाने में मदद करता है, बड़े बड़े टर्बाइनों को वो घुमा देता है। लेकिन इससे भी कुछ प्रॉफिट होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। भाई किसी चीज के प्रॉफिट है तो नुकसान भी होते हैं। क्या होते हैं इनके प्रॉफिट, क्या होता है इनका नुकसान। पहला पॉइंट कि वातावरण प्रदूषित नहीं होता। भाई पानी को, बांध को बनाया गया तो उसमें पर्यावरण से कोई मतलब ही नहीं है, पानी जा रहा है, टरबाइन को घुमा रहा है, बिजली बन रही है, तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है। दूसरा, जल बिना मूल्य के प्राप्त होता है। वो जो नदी का पानी है उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। देंगे किसको, अगर देना भी होगा तो नदी को कहेंगे भैया ये 2,00,000 रुपए लो, तुम्हारे पानी से हम बनाएंगे बिजली। ऐसा कुछ नहीं, फ्री में प्राप्त होता है। जल ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। जल ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। नवीनीकरण का मतलब दोबारा फिर प्राप्त हो सकता है। अरे भाई हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे, फिर बरसात होगी, फिर पानी नदी में आ जाएगा, फिर पानी प्राप्त होगा, फिर बांध बनाएंगे, फिर बिजली बनाएंगे, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऊर्जा के दो स्रोत, नवीनीकरण अनवीनीकरण। वह स्रोत जो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वह नवीनीकरण, नवीन मतलब दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते वो होता है अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत। अगला पॉइंट, बांध द्वारा खेतों की सिंचाई। अब जब बांध दिया जाता है तो छोटी छोटी नहरें कर दी जाती है, खुदाई कर दी जाती है, जिससे उस लोकल एरिया के, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में बांध बनाया गया है वहां के लोग सिंचाई भी कर लेते हैं फ्री में, प्रॉफिट है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सिंचाई फ्री है ही नहरों से। आगे बात करते हैं, इसके नुकसान की बात कर लेते हैं बाबू। बांधों के निर्माण से वातावरण का नुकसान होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कि हर जीव का वातावरण में अपना एक विशेष स्थान है,
किस प्रकार से बांधों के निर्माण से वातावरण प्रदूषित वातावरण का नुकसान होता है, कैसे होता है, कुछ नीचे वाले पॉइंट से समझ जाएंगे कि उस जो लोकल एरिया में जिस एरिया में वो बांध बनाया जाता है वहां पे जो पशु होते हैं पेड़ पौधे वो पानी में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भैया, वो पानी में डूब जाते हैं तो कभी मवेशी मर गए, कभी पेड़ पौधे सड़ गए वहां पे, ना समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि वहां पे बड़ा नुकसान हो जाता है। भाई हमेशा पानी में डूबे रहने से भी भाई जल स्तर बढ़ेगा तो लोकल जो अगल बगल के क्षेत्र होंगे वो पूरे डूब जाएंगे ना। हमारे यहाँ क्या होती है, नदियां जब बरसात आती है तो नदियां चौड़ाई में बढ़ जाती है, तो जितने एरिया में बाढ़ वगैरह जो बाढ़ आती है तो उस एरिया में कुछ रह जाता है भाई, धान वगैरह जो रहता है सब डूब जाते हैं। तो वैसे लगातार डूबे रहेंगे तो नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान होता है। दूसरा, खेतों की उत्पादन क्षमता लगातार पानी रहेगी तो क्या करेंगे, केवल धान उगा सकते हैं, लगातार पानी रहेगा तो धान वो भी धान को छानना पड़ेगा, ये नुकसान है। लेकिन सबसे जरूरी प्रॉफिट बांधों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में, इनका इस्तेमाल केवल कहां किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, जिसकी वजह से ये सीमित है, ये हर जगह बांध नहीं बनाया जा सकता, पहाड़ी क्षेत्रों में ही बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये सीमित है। आगे अब देखो सबसे जरूरी पॉइंट, हटाए गए व्यक्ति के पुनर्वास में असुविधा, सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है कि जब बांध बनाया जाता है ना तो उसके अगल बगल के 4-5 गांव, हाँ 50-60 गांव की बात कर लीजिए, वहां के लोगों को वहां से हटा दिया जाता है भैया कि आपके इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी, आप यहां से चले जाए। तो आप सोचो अचानक से आपके घर के बगल में, या अगर आप मान लेते हैं आपके बगल से नदी गुजर जाती है, तो सौभाग्य वाले हैं जिनके बगल से नदी गुजर जाती है, लेकिन जानते हैं ना बिहार का शोक किसे कहते हैं, कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, बिहार का शोक किसे कहते हैं, ठीक है, नदी तो है वो शोक है ना, क्योंकि हमेशा वहां बाढ़ आती है, तो वहां के व्यक्ति को अगर हटा दिया जाएगा तो उन्हें दोबारा कहीं बसने के लिए, आपको मैं कह दूं कि आज अपना बोरिया बिस्तर उठाइए अब चले जाइए कहीं और वास कर लीजिए, तो भाई एक सिस्टम होता है ना, हमारी झोपड़ी होती है लेकिन हम उसमें बड़ी खुशी से रहते हैं, अपना घर तो घर ही होता है ना, आपने बचपन में कविता पढ़ी होगी, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर, भर अपना घर कैसा भी हो अपना घर घर ही होता है। तो जो यहां से व्यक्ति हटाए जाते हैं वो दोबारा कहीं बसने के लिए, हालांकि उन्हें दिया जाता है मुआवजा दिया जाता है, लेकिन फिर भी भाई मैं बताया ना अपना घर तो अपना घर होता है, दोबारा पुनर्वास में क्या होती है असुविधा होती है, इसी वजह से जो लोग होते हैं वो जहां पे जिस क्षेत्र में बांध बनता है उसे क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं, क्योंकि हमें यहां से जाना होगा और जाना कोई नहीं चाहता अपना घर छोड़ के, समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए लोग वहां के जो लोकल एरिया के लोग होते हैं वो इसका बांध बनने का विरोध करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आएगा, आगे होगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा। जय हिंद दोस्तों।